आज हम यूपी बोर्ड के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है बी इक्वल टू और सी इक्वल टू, यानी कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं और उसको प्रूफ कर रहा है कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हम सबसे पहले सॉल्व करने से पहले जो गिवेन दैट है यानी ऐसे लिख लेंगे, फिर इसको सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे फिर RHS को। तो LHS में हम देख रहे हैं कि A इंटू बी प्लस सी है, तो LHS को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको B प्लस सी निकालना होगा। तो नाउ लिखेंगे ऐसे, नाउ B प्लस सी इक्वल टू मैट्रिक्स का जो है कि एडिशन हम पहले ही बता चुके हैं कैसे ऐड किया जाता है, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो B प्लस सी निकालते हैं, टू और प्लस माइनस वन यानी हो जाएगा टू माइनस वन, फिर यहाँ से हो जाएगा वन प्लस थ्री, फिर इसको देखते हैं तो जीरो और प्लस टू हो जाएगा, जीरो प्लस टू, फिर यहाँ से हो जाएगा वन प्लस वन। इस प्रकार इसको हम अब हम क्या करते हैं इसको इसके रिजल्ट को लिखते हैं, यानी टू में से वन जाएगा यानी वन हो जाएगा, फिर जीरो प्लस टू यानी टू, फिर वन प्लस थ्री यानी फोर, वन प्लस वन यानी टू। इस प्रकार हम क्या किए ए प्लस बी बी प्लस सी निकाल दिए। अब हम LHS को लेके चलेंगे, यानी LHS इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे कि ए इंटू बी प्लस सी को पहले लिख लेते हैं। ए यहाँ पे अभी दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं वन जीरो वन वन इंटू बी प्लस सी, यहाँ पर अभी निकाले हैं ये वन टू फोर टू। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि हम पहले ही बताए हैं कि फर्स्ट रो को पहले स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा ये वन क्रॉस वन इसका इसके साथ, फिर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम के सेकंड रो से सेकंड एलिमेंट से, यानी जीरो मल्टीप्लाई ये प्लस का सिंबल यानी प्लस करते जाएंगे, यानी जीरो मल्टीप्लाई फोर। फिर वैसे ही सबके साथ इसका भी करेंगे, यानी सेकेंड रो को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, यानी हो जाएगा वन क्रॉस वन, वन क्रॉस वन, फिर वन क्रॉस फोर यानी प्लस वन क्रॉस फोर। फिर ये फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करना स्टार्ट करें, यानी फर्स्ट और सेकेंड को फिर सेकेंड कॉलम से स्टार्ट करेंगे, यानी इससे देखिए वन का टू के साथ करेंगे यानी वन क्रॉस टू, फिर जीरो का टू के साथ यानी प्लस जीरो क्रॉस टू, फिर इसका इसके साथ यानी वन क्रॉस वन, वन क्रॉस टू सॉरी वन क्रॉस टू प्लस वन क्रॉस टू हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे वन क्रॉस वन होगा यानी वन होगा, जीरो से फोर में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, यानी वन और फोर जीरो यहाँ पे वन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वन क्रॉस वन यानी वन, वन क्रॉस फोर यानी फोर, यानी फोर और ये वन, फोर वन फाइव, फिर यहाँ से टू क्रॉस वन यानी टू, जीरो क्रॉस टू यानी जीरो से दो में गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये टू क्रॉस वन यानी टू, फिर यहाँ से हो जाएगा टू क्रॉस वन यानी टू प्लस वन क्रॉस टू यानी टू, यानी टू और टू हो जाएगा यहाँ पे फोर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, इसको हम रेड कलर से दिखा देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। RHS को लेकर चलेंगे, RHS में सबसे पहले ए बी प्लस ए सी है तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, यानी ए डॉट बी, तो ए डॉट बी पहले लिख लेते हैं। ए है वन जीरो वन वन, फिर इंटू बी है टू जीरो वन वन। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हम मल्टीप्लाई बताए हैं कैसे इसको किए हैं, तब क्या करेंगे यानी इसको उठाएंगे और इसके साथ करेंगे, यानी वन का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा टू, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो,
फिर वही प्रोसेस होगा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे यानी वन का टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू हो जाएगा, फिर प्लस वन का फिर वन के साथ करेंगे तो वन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो को जो है कि लेंगे और सेकेंड कॉलम से करेंगे यानी फर्स्ट का फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से यानी वन से जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर प्लस जीरो से वन में मल्टीप्लाई करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा। फिर इसको लेते हैं और फिर इसके साथ करते हैं यानी इसको फिर इसके साथ, ये हो जाएगा वन से जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर वन से वन में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन हो जाएगा। फिर हम इसको लिख लेते हैं यानी ये हो जाएगा टू प्लस जीरो यानी टू, फिर जीरो प्लस जीरो यानी जीरो, टू प्लस वन यानी थ्री, जीरो प्लस वन यानी वन। इस प्रकार हम ए इंटू बी ज्ञात कर लिए। अब हम ए इंटू सी निकालते हैं, ए इंटू सी तो ए यहाँ पे दिया हुआ है वन जीरो वन वन, ये ए हो गया इंटू सी इंटू है माइनस वन टू थ्री वन। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे ये हुआ है वैसे ये भी होगा, वन का माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस वन, फिर जीरो का तीन के तीन से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस जीरो हो जाएगा, फिर इसका इसको लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन का माइनस वन के साथ करेंगे ये हो जाएगा माइनस वन, फिर वन का थ्री के साथ करेंगे हो जाएगा प्लस थ्री, फिर वन और फिर इसको उठाएंगे और इसके साथ करेंगे यानी वन का टू के साथ करेंगे टू हो जाएगा और जीरो का वन के साथ करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर इसको लेंगे और इसके साथ करेंगे वन का टू के साथ करेंगे टू हो जाएगा, वन का वन के साथ यानी वन हो जाएगा। अब हम इसको ऐड करके लिख लेते हैं यानी माइनस वन प्लस जीरो यानी माइनस वन, टू प्लस जीरो यानी टू, माइनस वन प्लस थ्री यानी टू हो जाएगा, टू प्लस वन यानी थ्री, ये हो गया ए इंटू सी। अब हम आर एच एस को लेकर चलेंगे, आर एच एस है ए बी प्लस ए सी, तो काम करते हैं ए बी हम ऑलरेडी अभी यहाँ पे निकाले हुए हैं और ए सी भी निकाले हुए हैं तो ए बी और ए सी को पहले लिख लेते हैं यानी हो जाएगा टू जीरो थ्री वन, ये हो गया ए बी प्लस ये है ए सी यानी ए सी यहाँ पे अभी निकाले हैं यहाँ पे यानी हो जाएगा माइनस वन टू टू थ्री, ये हो गया ए सी। अब हम इसका एडिशन ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे टू प्लस माइनस वन यानी प्लस से माइनस में करेंगे माइनस हो जाएगा यानी टू माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा टू माइनस वन यानी वन, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो प्लस टू यानी यहाँ पे हो जाएगा टू, यहाँ पे देख रहे हैं थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा और वन प्लस थ्री यानी हो जाएगा थ्री। इस प्रकार हम आर एच एस भी निकाल लिए, इसको इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं, रेड कलर से दिखाते हैं सेकेंड कर देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखिए एल एच एस निकाले हैं, एल एच एस का मान वन टू फाइव फोर आया है, इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देख रहे हैं तो यहाँ पे वन टू फाइव थ्री यानी एल एच एस और आर एच एस यहाँ से मान भी देख लीजिए दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। अब हम कह सकते हैं इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर इस प्रकार ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये क्या होता है प्रूफ होता है, ये हो जाएगा प्रूफ। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, इस तरह की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ओके, थैंक्स फॉर यू।